सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे सुभाषितानी चैप्टर 20। चलिए पढ़ते हैं श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकियो वसंत समये आगते काकः काकः पिकः पिकः। प्राणांत यति देशाय पीड़ितानाम सहायक या आचरति कल्याणम लोके मानम साविन्दति। तुष्यन्ति भोजने विप्राह मयूरा घन गर्जने साधवः पर संपत्तौ खलाः पर विपत्तिषु। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैः कुटुम्बकम्। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसका हिंदी अनुवाद होगा अभिवादन। अभिवादन मीन्स क्या होता है? प्रणाम करना, अपने से बड़ों को, बड़ों का सम्मान करना। अभिवादन नित्यम, नित्यम मीन्स क्या होता है? प्रतिदिन, रोज, डेली। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, और किन लोगों का? तो बोलते वृद्धोपसेविनः, जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं उनका नित्य अभिवादन करने से क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। उनकी चार चीजें कौन कौन सी? तो बोलते हैं आयुर्विद्या यशोबलम्। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं। किन लोगों की? जो हमेशा नित्य प्रति अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा कर, है ना, अपने से बड़े बुजुर्गों की नित्य जो है अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं। कौन कौन सा? आयु, विद्या, यश और बल। इस प्रकार से यदि आयु, विद्या, यश और बल को बढ़ाना हो तो हमें भी बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वालों की चार, बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए और उनको यथा स यथा योग्य, है ना, स सम्मानित करते हुए प्रयास ये करना चाहिए कि हमसे उनको दुख ना पहुँचे, और प्रयास यही होना चाहिए कि उनको हमेशा सम्मानित करें। इससे क्या होगा कि उनका जो आशीर्वाद, जो गॉड, जो ब्लेसेस हैं, आशीर्वाद हैं, वे उनसे जो है, कहते हैं जो बड़े बुजुर्गों के, बड़े बुजुर्गों की जो सेवा होती है उसमें जो है भगवान का आशीर्वाद निहित होते हैं उसमें। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अभिवादन, नित्य अभिवादन करने वाले बड़े जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने वालों की चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक काकियो वसंत समय आगते काका काका पिका पिका। काका, काका मीन्स क्या होता है? कौवा। कौवा भी कृष्ण मीन्स होता है काला, तो कौवा काला होता है। पिका, पिका मीन्स क्या होता है? कोयल। कोयल भी काली होती है, तो कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, को भेद पिक काकियो, तो दोनों में क्या भेद है? बसंत समय आगते काका काका पिका पिका, किंतु बसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल हो जाती है, अर्थात दोनों दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। किनसे? जब देखने से नहीं, उन लोगों की जो एक का कौवा का कर्कश आवाज और कोयल का मधुर स्वर जब सुनते हैं लोग, तब समझ में आ जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। इस प्रकार से व्यक्ति का रंग स्वरूप से, रंग भेद से, रंग रूप से किसी को हम नहीं पहचान सकते, उनके कर्मों से ही हम उन्हें जो है पहचानते हैं, अर्थात कर्मों से ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। कर्मों से ही व्यक्ति की पहचान, मूल पहचान होती है। किसी को रंग रूप से हम अच्छा या खराब नहीं कह सकते, क्योंकि रंग रूप में तो कोई बहुत सुंदर दिख सकता है, लेकिन अपने कर्मों से उन्हें सुंदर होना चाहिए। कर्मों से सुंदर हो, यदि रंग रूप से भी यदि वो सुंदर ना हो तब भी से वो सुंदर में ही मापदंड किया जा सकता है। उसका मापदंड करते हैं किसमें? सुंदरता से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से जो है व्यक्ति के मापदंड किया जाता है, व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। किनके आधार पर? कर्मों के आधार पर। प्राणांत यदि देशाय पीड़िता नाम सहायक या आचरति कल्याणम लोके मानम सहविंदति। प्राणांत यदि देशाय, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ, देशाय देश के लिए, प्राणांत यदि
जो देश के लिए प्राण त्यागता है पीड़िता नाम सहायक, और जो पीड़ितों का सहायक होता है, मदद करता है, या आचरति कल्याणम लोके मानम सविंदति, जो भलाई का काम करते हो वो व्यक्ति ही संसार में लोके मानम सविंदति, लोके में संसार में मान को प्राप्त करता है अर्थात सम्मान को प्राप्त करता है, उन्हीं की जय जयकार होती है। किन लोगों की? जो देश के लिए प्राण को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, पीड़ितों का सहायक होते हैं, जो भलाई का काम करते हैं, वही संसार में जो है मान प्राप्त करते हैं, संसार में पूजनीय होता है, विन्दति। ओके, नेक्स्ट है तुष्यंति भोजन विप्राह मयूरा घन गर्जने साधवा पर संपत्तौ खला पर विपत्तिषु। क्या कहा गया है? तुष्यंति भोजन विप्राह, ब्राह्मण जो है भोजन खा करके संतुष्ट होते हैं, उनको आप है ना अन्य और कुछ प्रदान दान दक्षिणा देने से थोड़ा कुछ असंतोष भी व्यक्त कर सकते हैं कि इतना और मुझे मिलना चाहिए, लेकिन भोजन से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण भोजन खाकर संतुष्ट होते हैं, मयूराह घन गर्जने, और बादल घन मीन्स होता है बादल, बादल गरजने पर मोर संतुष्ट होते हैं, मयूर। साधवा पर संपत्तव, जो साधु लोग होते हैं, साधु मीन्स अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों की संपत्ति देख करके खुश होते हैं। और दुर्जन खलाह, खलाह मीन्स होता है दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन जो होता है पर विपत्ति सु, दूसरे की विपत्ति में, दूसरे के कष्ट में, दूसरे की विपत्ति आने पर ही खुश होते हैं, उनका स्वभाव क्या है? दुष्ट, दुखलाह, दुर्जन। दुर्जन लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे की विपत्ति देख करके खुश होते हैं, बाकी जो है जो साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वे दूसरे की संपत्ति अर्थात दूसरे की सुख सुविधा में ही वे खुश रहते हैं। तो इस प्रकार से दुष्टों का स्वभाव होता है कि अपने से कम दुख दूसरे से ज़्यादा दुखी रहते हैं, किससे? अच्छे संपत्ति उनके खुशी से, और दूसरे की जो विपत्ति है उसमें खुश रहते हैं, इसका स्वभाव बताया गया है दुष्टों की। ठीक है, नेक्स्ट है अयम निजः परो वेति गणा लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधै कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति, अयम मीन्स क्या होता है? यह मेरा है, मेरा है, अपना अपना, निजः अपना, यह मेरा है, परो वेति यह दूसरों का है। ऐसी जो गणना है ना, वो कौन लोग करते हैं? लघुचेत साम, लघु छोटे चित्त वाले की यह गणना होती है, नैरो थिंकिंग, जिसको हम संकीर्ण मानसिकता बोलते हैं। उदारचारिता नाम तु वसुधै कुटुम्बकम्, लेकिन जिनकी सोच विशाल होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है, ऐसे विशाल हृदय वालों के लिए तो वसुधै कुटुम्बकम्, पूरी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी ही परिवार है। तो इस प्रकार से संकीर्ण मानसिकता को त्याग करके वसुधै कुटुम्बकम्, पूरी जो है पृथ्वी को परिवार मानने वाले लोग विशाल हृदय वाले होते हैं, सोच जो है उनका क्या होते हैं? विशाल होते हैं, हमेशा ऊंचा होते हैं। तो ऐसा विचार को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, जिससे व्यक्तित्व भी ऊंचा बनता है। इस प्रकार से ये आप लोगों का सुभाषित यानी कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने विभक्ति वचन का उल्लेख कीजिए, इससे पहले शब्दार्थ दिया हुआ इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। काका प्रथमा एक वचन, काका प्रथमा विभक्ति एक वचन एग्जाम्पल दिया हुआ है। देशाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, लोके सप्तमी एक वचन, विद्या प्रथमा विभक्ति एक वचन, पिकः प्रथम विभक्ति एक वचन, सहायका प्रथम विभक्ति एक वचन, पीड़िता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित क्रियापदों का पुरुष व वचन लिखिए, त्यजति प्रथम पुरुष एक वचन, विन्दति प्रथम पुरुष एक वचन, तुष्यंति प्रथम पुरुष बहुवचन, आचरति प्रथम पुरुष एक वचन। उचित विकल्प का चिन्ह लगाइए, देशाय प्रणाम त्यजति, तो ये चतुर्थी विभक्ति में लग जाएगा, कल्याणेषु कल्याणम आचरति कल्याणम आचरति, लोके लोकानाम मानम विन्दति तो लोके मानम विन्दति, पीड़िता नाम पीड़ित है सहायक, तो करेक्ट क्या जाएगा? पीड़िता नाम सहायक। अन्वय पूरा कीजिए, यह देशाय प्राणान त्यजति, पीड़िता नाम सहायिका कल्याणम आचरति, सह लोके मानम विन्दति। ये मंजूषा से दिया हुआ है, उसको आपको सेलेक्ट करके फिल करना है, इसको है ना, ये दिया हुआ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन तस्य चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, लास्ट में क्या हो जाएगा? वर्धन्ते। ये अन्वय से इसको पूरी करना है आप लोगों को।
तो ये मैं कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, ये ऑप्शन है उससे जो है ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा, तो इसको लेकर के आपको फिल इन द ब्लैंक्स या अनुमय को पूरा करना है। मिलान करिए, प्राणांत यति देशाय आयुर्विद्या, अप्राणांत यति देशाय पीड़िता नाम सहायका चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, या आचरति कल्याणम लोकीयमानम स विन्दति अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। क्रियाकलाप श्लोक कंठस्थ कर प्रार्थना सभा में सुनाइए, तो प्रार्थना सभा में नहीं सुना करके अभी आप लोग मीटिंग में सुनाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा, और चार्ट पर श्लोक लिखकर कक्षा में सजाइए। तो चार्ट पर श्लोक न लिख करके आप लोग नोटबुक में याद करके बहुत सुंदर अक्षरों से लिखना है। ओके।